set of tires. Love me too.
शहीद में हबाब। ये थे जनाब इसान मुस्तफा जो कलाम इकबाल पेश कर रहे थे। अब मैं जनाब मोहम्मद इसाक पर चेयरमैन चारपट ड्राई को ट्रस्ट से तहत करता हूँ कि वो इफ्तिताही इकदाम पेश करें। इकबाल के अफकार मुसलमानों के लिए जिंदगी का पैगाम है।
इसीलिए वो मुसलमानों को शाहीन करार बुलंद निगाह बुलंद परवार देखना चाहते थे। उनका पैगाम आज भी हमें अमल और मुसलसल जदोजहद की दावत दे रहा है। हम अपने साफ और रवायात को बुरे पर लाते हुए और अपनी राह मुतय्यन करके आज भी दीन दुनिया की कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। मैं एक बात वहां मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने भाई खुशियत से वक्त निकाल कर आज की तकरीब में शमूलियत अख्तियार की और इसको इस ग्राउंड को दोबारा किया। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ को हूँ कि हमें एक बार के अफकार को समझने और उन पर अमल होने की तौफीक अता फरमाए। अब मुमलिकत खुदा आज़ाद पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से हम करार करें। आमीन। आखिर में हुकूमत उम्र आखिर रामा इकबाल को शेर के साथ राज तहसीन पेश करते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। हजारों साल लड़कों साहब की बेदूरी में होती है, बड़ी मुश्किल से होता है जब उन्हें दीदा करते हैं। अल्लाह हम सब का हमीर आसान है। अब मैं जनाब मोहम्मद सईद अहमद दानिश प्रिंसिपल दानिश पब्लिक स्कूल समड़ियाल से गुजारिश करता हूँ कि वो पैगाम इकबाल के बारे में अपने ख्याल से नवाजें। शर्मा साहब, DCO डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, मोहतरम जनाब हजरत बाउद्दीन साहब, दीगर मेहमाना निगरानी, सबसे पहले तो मैं सियालकोट ट्राईकोट ट्रस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज की इस तकरीब में मौका दिया। ये तकरीब अल्लामा इकबाल को खराज तहसीन खराज अकीदत पेश करने के लिए हफ्ता इकबाल के तहत मनाई जा रही है। सदर जीवकार इकबाल की पूरी शायरी के मुखातब इंसान मुसलमान और नौजवान और इस एतबार से इनकी शायरी का असल पैगाम ही नौजवानों नौजवाना ने मुसलमान है। उन्होंने शायरी को अपने मकसद के इजहार का जरिया बनाया और मकसद यह था कि इंसान को इसके मकाम इसके कमाल इसके शर्फ का हकीकी अरफान दिलाया जाए और इसे ये बताया जाए कि कुदरत ने इसे कैसी बेकरार तकनीकी सलाहियतें दी। अगर इंसान इस कायनात और इस कायनात के खालक से अपने ताल्लुक को ठीक ठीक समझ कर अपनी जात में मिहा अपने तकनीकी जोहर का भरपूर इजहार करे तो ये पूरी दुनिया रोशन आरास्ता और खूबसूरत हो जाए। इसलिए उन्होंने फरमाया मोहब्बत मुझे उन जवानों से है मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो डालते हैं सितारों पर कमर। और फिर साथ ही साथ ये भी दुआ की कि जवानों को मेरी आह सहर दे फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे खुदाया आरज़ू मेरी यही है मेरा नूरे वसीलत काम कर दे। अरबाब इल्म दानिश इकबाल के पेशे नजर तालीम का मकसद वही हो सकता है जो इस्लाम के नजदीक है, इंसान को एक अच्छा मोमन और मुसलमान बनाना, इकबाल की अपनी इस्लामी मर्द मोमन बनाना या इस्लाम का शहीद बनाना है। इलम क्या है? इलम जो रास्ता लिखा है सराते मुस्तकीम की तरफ इंसान की रहनमई कर दिल से गुमराही का जंग उतारे। इलम इसके सवा कुछ नहीं कि इससे अल्लाह का इश्क पैदा हो और अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा हो, बाकी जो कुछ है वो इलम के नाम पर दिख रहा है। साहबान बसीरत इकबाल का बुनियादी तसव्वुर यही है कि मुशाहदात और इलम के जरिए सिहत तक पहुंचा जाए और इसकी माफ़रत हासिल की जाए। इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ मुशाहदा और इलम काफी नहीं है बल्कि इसलिए तरबियत की भी जरूरत है। अगर कोई शायर आए मुयस्सर अगर कोई शायर आए मुयस्सर शबानी से कलीमी दो कदम है, मतलब इनका यह है कि उस्ताद ऐसा साहिब दिल और मुरब्बी होना चाहिए जो अपने तालिबे इल्म को अल्लाह ताला की मार्फत दे दे। इलम को चराग राह समझता है मंजर नहीं। इनकी रुबाई है हिर से राह रोशन बसर है खुद क्या है चराग राह गुजर है दरूने खाना हंगामे है क्या क्या चिरागे राह गुजर को क्या खबर है।
یعنی چراغ نے آپ کو کیا خبر کہ انہوں نے کیا